नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। गुरुवार को मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा द्वारा 52,000 गांव एवं 313 जनपद 52 जिला पंचायत में राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 18 घटक संगठनों ने अधिकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों के निराकरण के संदर्भ में अनिश्चितकालीन हड़ताल के 8वें दिन अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा संरक्षक राजेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 8वां दिन है और आज मोर्चा के सभी सदस्यों द्वारा जनपद पंचायत परिसर में अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण की है। इसके अतिरिक्त 18 घटकों के अलग अलग मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना है। आज संयुक्त मोर्चा का आज 8वां दिन है और आज हम सभी जो है अर्धनग्न की अवस्था में हैं और आज हम पूरा दिन अर्धनग्न ही रहेंगे। अभी हमने अर्धनग्न का निर्णय लिया है, आगे हम और भी जो है कार्यक्रम करने वाले हैं अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो। हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण और सभी हमारे जो मोर्चे के 17 अलग अलग हमारे जो संघ हैं उन सभी की अलग अलग मांगे हैं। हम उन सभी मांगों पर अटल है और जब तक सभी मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। लोकायुक्त से जुड़ी शिकायतों के आवेदकों की सुविधा के उद्देश्य से लोकायुक्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह उज्जैन संभाग के दायरे में आने वाले 7 जिलों में जन सुनवाई कर शिकायती आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोकायुक्त विभाग द्वारा पहले रतलाम में जन सुनवाई की गई। उसी तारतम्य में आज लोकायुक्त अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा नीमच के डाक बंगले पर आवेदकों से आवेदन लिए एवं जांच के बाद 7 दिवस में कार्यवाही का आश्वासन दिया। लोकायुक्त अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकायुक्त उज्जैन अपने दायरे में आने वाले 7 जिलों को देखता है और यदि दूरस्थ इलाकों से आने वाले शिकायतकर्ता उज्जैन आते हैं तो उनका पूरा दिन खराब होता है, साथ ही समय और पैसा भी बर्बाद होता है। शिकायतकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकायुक्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह हर जिले में आवेदकों से लोकायुक्त संबंधी शिकायती आवेदन लिए जा रहे हैं। आज नीमच में 25 से अधिक अलग अलग विभाग से संबंधित लोकायुक्त के दायरे में आने वाली शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन आवेदनों पर जांच कर रहे इन रजिस्टर्ड किया जाएगा एवं 7 दिन में आवेदकों से संपर्क कर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।